नमस्ते प्रणाम और दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबको कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टीजर ट्रेंडिंग कर रहा है और वो भी नंबर वन पे मेन सेक्शन में, जो कि सारेगा हम भोजपुरी का जो लखनऊआ ज्वाइंट टीम के लिए मैंने गाया है गाना और कल लाइव भी होगा आप सबके बीच में। और मैं आ रहा हूँ कल एकना स्टेडियम लखनऊ, और लखनऊ टीम का कल मैच भी है तो मैं वहाँ परफॉर्म भी कर सकता हूँ आप सबके साथ। मैं लाइव मैच भी देखूँगा और हम लोग इंजॉय करेंगे और गाने का भी इंजॉय करेंगे और मैच का भी इंजॉय करेंगे। तो मैं आप सबके बीच में कल एकना स्टेडियम में मिलूँगा, तो आप इतना भीड़ लगा दो ना रे पगला, जितने भी मेरे भाई हो ना सब एकदम छा जाओ। कल बता दो कि भाई हम भोजपुरियों की पावर क्या होती है, भोजपुरियों की ताकत क्या होती है, भोजपुरी की सम्मान के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कल हम आ रहे हैं और पहली बार मैं किसी ग्राउंड में पहली बार मैच देखने जाऊंगा, और पहली बार भी भोजपुरी में ऐसा हो रहा है कि इतने सारे विदेशी खिलाड़ियों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने, इतने सारे इंडिया को प्रेजेंट करने वाले हमारे खिलाड़ियों के सामने हमारा सॉन्ग रिलीज होगा और ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। और सारेगा मा हम भोजपुरी का एक बहुत योगदान है, हमारे विक्रम सर, हमारे गोइंका मैम और हमारे बद्री भाई जो कि भाई सर्वोपरि हैं हम लोगों के लिए, तो जो भी कराना होता है वही प्रपोजल लेकर आते हैं। तो और बस गाने कम कर दिया था मैं थोड़ा सा गाना, इसलिए क्योंकि सिनेमा पे ज़्यादा ध्यान है मेरा अभी, क्योंकि प्रेजेंट अभी सिनेमा अपने भोजपुरी को बहुत ऊपर तक ले जाना है। तो एक सिंगर तो मैं हूँ ही, बट सिंगर के साथ साथ एक एक्टर भी हूँ, तो सिंगर में और एक्टर में थोड़ी अंतर तो होती है कि हम अपने एक्टिंग से और सिनेमा के बदौलत अपनी भाषा को बहुत ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। संगीत के माध्यम से तो जितना लेकर जाना है कोशिश कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें मुझे लगता है कि हमें अब सिनेमा के माध्यम से लोगों को बताना है कि हम क्या है। और भाई कुछ लोगों को लगता था कि खेसारी ख़त्म हो गया, हम ख़त्म होने वाले अनाज हैं, हैं ख़त्म होने वाले नहीं, थोड़ा सा विलम्ब किया था कि नहीं अब थोड़ा सा गायकी तो करना ही है और गाने बजाने तो करना ही है, सॉन्ग तो गाने ही हैं, बट मुझे लगता है कि सिनेमा को प्राथमिकता ज़्यादा देना है हम लोगों को, ताकि हमारी चीज़ें और बड़ी हो, हमारी समाज की, हमारी भाषा की जो गरिमा है और लोगों तक हम बेहतर एक्टिंग भी करते हैं भाई, बेहतर एक्ट के साथ, बेहतर सिनेमा के साथ, बेहतर कहानी के साथ, बेहतर डायरेक्टर के साथ, और अपने भाषा को और ऊपर कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं। तो इसीलिए सॉन्ग हम थोड़ा कम कर दिए हैं, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं हमको सॉन्ग भी बराबर करना चाहिए, तो दोनों चीज़ें करेंगे हम, बट थोड़ा सा सॉन्ग हम कम करेंगे और सिनेमा ज़्यादा और बेहतर सिनेमा करने की कोशिश, ज़्यादा के साथ ज़्यादा की बात नहीं है, ज़्यादा तो हम करते ही हैं, बट बेहतर करने का थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा टफ है। और आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए हमें, ताकि आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, ताकि कल जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भोजपुरी के लिए कि इतने सारे विदेशी खिलाड़ियों के सामने भोजपुरी गाने बजेंगे, भोजपुरी की चीज़ें, और ऐसे भी बजी रहे हैं हमारे, जब भी मैं कोई मैच हो रहा है तो हमारे गाने उसमें बजी रहे हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्टों के भी बज रहे हैं, बहुत सारे कलाकारों का, तो ये गर्व की बात है कि हम सबको मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करके अपने भाषा को और बड़ा करना है, तो हमें सबको, सबका दायित्व बनता है, हम अपने संगीत